टाइम उड़ते जा रहे हैं और परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं। नहीं लेती सुबह 7 पे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जी, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 5:30 बजे से। मैं सुबह 5:30 बजे जाग जाती हूँ। हमारे इलाके में फजर की अजान 5:45 पे होती है और उसके बाद मुझे जो है वो ब्रश करते, वज़ू करते, हस्बैंड को जगाते नमाज के लिए और ख़ुद चेंज वगैरह करते हुए ना 5:45 हो ही जाते हैं, यानी कि नमाज का टाइम हो जाता है। फिर मैं फजर की नमाज़ अदा करती हूँ और उसके बाद जो है ना मेरी रूटीन है कि मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ उसके बाद ना मैं ज़रूर अपना ये लोशन लगा लेती हूँ, क्योंकि ना सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, पूरा दिन काम करना होता है और फिर याद नहीं रहता। तो इसलिए मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ ना तो मैं साथ ही ना लोशन हाथों पे और स्किन पे लगा लेती हूँ ताकि स्किन साफ रहे। उसके बाद हस्बैंड चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं जो हूँ यहाँ किचन में आके अपने लिए ग्रीन टी बनाती हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालती हूँ, एक सब्ज इलायची यानी छोटी इलायची डाल लेती हूँ, थोड़ा सा उसमें जो है वो लेमन ग्रास डाल लेती हूँ और यहाँ मैंने ना दालचीनी का पाउडर बना के रखा है, थोड़ा सा मैं वो डाल लेती हूँ। बाहर जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा धुंध है और ये स्ट्रीट लाइट्स ऑन है। अभी आई थिंक 6:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, लेकिन फोन इस टाइम इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जब तक कावा रेडी होता है 5 से 10 मिनट में कावा रेडी हो जाता है मेरा, तो मैं जो हूँ अपना एक नॉर्मल जो है वो पानी का गिलास पी लेती हूँ। बस फिर जब कावा रेडी हो जाता है तो मैं अपने कप में कावा डाल के जो हूँ वो बाहर लाउंज में आ जाती हूँ और लैपटॉप में अपने साथ ले लेती हूँ। अभी हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ के नहीं आए होते तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं वेट करती हूँ कि आयशा ना जाग जाए, तो तब तक जो है ना मैं इधर लाउंज में ही बैठी रहती हूँ और जब हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर मैं अपने बाकी काम जो है वो मैं करती हूँ। तो इस टाइम जो है ना बड़ी खामोशी होती है, आयशा भी सो रही होती है और मैं आराम से अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ और अपना कावा भी पी लेती हूँ। इस टाइम ना बहुत ज़्यादा सुकून होता है। अच्छा, फिर हस्बैंड जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से वापस आ जाते हैं तो मैं अपनी तस्बीह लेकर ऊपर छत पे आ जाती हूँ। उस टाइम ना बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम होता है, परिंदे जो हैं वो भी अपने रिज़क के लिए जो है वो निकल चुके होते हैं और बहुत ही अच्छा फ्रेश मौसम होता है। इस टाइम जो है ना 7 बज जाते हैं मुझे वीडियो की एडिटिंग वगैरह करते हुए तो और अपनी ग्रीन टी पीते हुए, तो फिर मैं यहाँ पे अपनी तस्बीह लेती हूँ और फिर मैं ऊपर छत पे आ जाती हूँ। इस टाइम जो है ना वो धुंध तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि मौसम जो है ना वो थोड़ा बियरेबल हो जाता है, तो मैं यहाँ पर आके ना अपनी ये तस्बीह करती हूँ और साथ साथ थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। आयशा को मैं नीचे चेक कर आती हूँ कि आयशा सो रही है। इस टाइम जो है ना वॉक करने से इतना अच्छा मूड हो जाता है ना पूरे दिन, और बंदा फ्रेश रहता है और ना
मेरी यही रूटीन है कि सुबह सवेरे जब उठ जाऊँ ना तो उस दिन मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। और इस दिन जिस दिन अगर किसी वजह से या जाहिरी सी बात है इंसान है तो फिर कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और कभी मेरा मूड ना हो या मेरी तबीयत ना ठीक हो ना तो, और अगर मैं ना जल्दी उठ सकूँ तो फिर उस दिन मेरा सारा काम जो है वो बिखरा ही रहता है। तो सुबह सवेरे उठने के ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, और जिस दिन मैं सुबह सवेरे उठ जाऊँ ना उस दिन तो बस मेरे सारे के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे भी सुबह सवेरे उठने से ना बहुत ज़्यादा बरकत होती है, नमाज़ पढ़ के सारे काम अपने शुरू करने से अल्लाह ताला की रहमत होती है। और इस टाइम जो है ना ये ऊपर सारे सारे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो कि बोलते हुए कौवे और चिड़ियाँ वगैरह जा रहे हैं। इस टाइम परिंदे भी जो है ना वो अल्लाह ताला की हमदो सना कर रहे होते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा होता है इस टाइम मौसम। ये देखें सारे बर्ड्स जो है ना इस टाइम उड़ते जा रहे हैं और परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं। इस टाइम जो है वो मौसम थोड़ा बियरेबल हो चुका होता है, स्कूल्स की और वैंस और ऑफिसेस के लिए लोग उठ चुके होते हैं, और थोड़ी थोड़ी ना रोशनी भी हो चुकी होती है। तो मैं अपनी तस्बीह कंप्लीट करती हूँ, हार्डली मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं अपनी तस्बीह करते हुए, और उसके बाद फिर मैं नीचे जाती हूँ और फिर मैं अपने नीचे के काम जो है ना वो कम्प्लीट करती हूँ। इस तरह जो है ना वो मेरी डेली मॉर्निंग का आगाज़ होता है, और सुबह की नमाज़ पढ़ के और तस्बीह करके दिल को इतना सुकून मिलता है, पूरे दिन के सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं और दिन भी अच्छा गुजर जाता है। तो इसी तरह ना मैं अपनी मॉर्निंग शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी है मेरी बेटी, मेरी जान कैसी है? आयशा सारी रात रज़ाई अपने ऊपर नहीं लेती बल्कि रज़ाई के ऊपर टांगे लेती है, सारी रात रज़ाई नहीं लेती। सुबह 7 पे उठ जाती है मेरी बेटी, ये मामा की छोटी सी बेटी है, ये मामा की जान है। आयशा राउंड एंड राउंड कर दो, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। ओ, फोन नहीं देना, फोन नहीं देना मैंने। चलो आज ब्रेकफास्ट कराएं। उसके बाद मैं फ्रिज से निकाल लूंगी आयशा के लिए एग, आज मैं इसको हाफ बॉयल एग दूंगी। अच्छा जी, तो मैंने इस तरह के स्टील के कॉले रखे हुए, उनके अंदर मैं एग वगैरह बॉयल करना हूँ तो मैं उसको अलग कर लूँगी। अभी मैं आयशा के लिए डाल दूँगी, सिर्फ 3 मिनट्स में इसको रखूँगी और आयशा के लिए एग जो है ना वो परफेक्ट हो जाएगा। तकरीबन 7 से 7:30 के दरमियान जो है ना वो आयशा उठ जाती है, इसको पैम्पर वगैरह चेंज कराती हूँ, उसके बाद मैं ना किचन में आयशा का नाश्ता बनाने के लिए आ जाती हूँ। अपने रात के बर्तन जो है ना मैं रात को ही वॉश करके सोती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। सुबह को ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, सुबह से वही बर्तन होते हैं जो जिसमें हम रात को ना दूध वगैरह पीते हैं, तो बस वही बर्तन सुबह होते हैं। अच्छा, आयशा के लिए ना परफेक्ट एग तैयार हो गया है, 3 मिनट्स हो गए इसको बॉयल होते हुए, अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। आयशा का नाश्ता जो है वो रेडी हो जाता है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं आयशा के लिए हाफ बॉयल एग रेडी हो जाता है। अभी तक ना मैंने और हस्बैंड ने नाश्ता नहीं किया होता, हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आके ना लेट जाते हैं थोड़ी देर, जब तक मैं आयशा को नाश्ता वगैरह करवाती हूँ उसके बाद हम नाश्ता करते हैं। अच्छा, आयशा ना पूरा एग नहीं खाती है, इसमें से सिर्फ जो इसका येलो वाला हिस्सा होता है ना, यानी जो जर्दी होती है लिक्विड लिक्विड सी, वो खा लेती है और हाफ बॉयल खाती है, फुल बॉयल आयशा बिल्कुल नहीं खाती। तो ये जो आधा हाफ एग होता है ना ये मैं खा लेती हूँ। तो बस एग जो है ना मेरी बेटी को शुरू से कभी भी पसंद नहीं आया, ये स्क्रैम्बल्ड एग खा लेती है या ऑमलेट खा लेती है, बॉयल एग तो इसको बिल्कुल नहीं पसंद, इसको बहुत मुश्किल से खिलाना पड़ता है। कभी इसको टॉयज देती हूँ, कभी कार्टून्स दिखाती हूँ, कभी इसको एक्टिविटी कराती हूँ, इतना खलारा जो है ना इसके इर्द गिर्द पड़ा होता है, तभी कहीं जाके 2-4 चम्मच खाती है, और वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत तंग करती है, लेकिन एग नहीं खाती। और एग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाहर के बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं। आयशा को नाश्ता करवाते करवाते ना मुझे 8:30 हो जाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करवाना होता है और साथ साथ ना उसको जो उसकी टीथिंग की टेबलेट्स हैं वो देती हूँ। ये करते करते ना 8:30 हो जाते हैं, फिर मैं अपना बाहर का दरवाज़ा खोल लेती हूँ। आज धूप निकली हुई है, अच्छी धूप निकली है, लेकिन साथ साथ ना फोग भी है,
और बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है। अच्छा तो आयशा को नाश्ता करवा के ना, तो मैं दो पराठे बना रही हूँ अपने और हस्बैंड के लिए। आयशा को मैंने नाश्ता जो है ना वो करवा दी है। हस्बैंड और अपने लिए जो है ना वो मैं दो पराठे बनाती हूँ। उतने में हस्बैंड उठते हैं और आयशा के साथ ना वो अंदर खेल रहे होते हैं और मैं यहाँ पे ना नाश्ता बना लेती हूँ। और इस टाइम ना हमें नाश्ता करते करते ऑलमोस्ट 9:15 हो जाते हैं। तो मैं ना ट्रायंगल पराठा बनाती हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, ट्रायंगल पराठे का ना ये होता है कि ये ना फूलता बहुत मज़े से, मतलब बहुत सॉफ्ट बन जाता है। वैसे तो मैं हस्बैंड के लिए कभी कभी अगर ऑमलेट बनाऊँ ना तो उनकी ख्वाहिश होती है कि ना मुझे लच्छे वाला पराठा बना दो, तो वो लच्छे वाला भी बना लेती हूँ, लेकिन लच्छे वाला ना फूलता नहीं है मुझसे, ये वाला बहुत मज़े का फूलता है और बहुत सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल जैसे पूड़ियाँ होती हैं ना बिल्कुल वैसे ही पराठे बनते हैं। और आज हमने वैसे भी चिकन और चने, रात का सालन बनाया होता तो चिकन और चने के साथ ना ये पूड़ियों की तरह के पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, और सर्दी सर्दी में ना हम लोग बनाते हैं गुड़ वाली चाय। गुड़ वाली चाय के लिए ना मैंने पहले जितना मतलब चाय के लिए 2 कप रखे हैं, और उसमें ना मैं 2 टेबल स्पून शुगर की डाल लेती हूँ, और साथ ही ना मैं थोड़ी सी पत्ती डाल देती हूँ और इलायची डाल देती हूँ। अच्छा, मैं ना पहले गुड़ कभी कभी डाल देती थी ना तो मुझसे दूध फट जाता था, मतलब चाय ना फट जाती थी गुड़ डालने से। फिर मैं अब हमेशा ना पहले शुगर डालती हूँ और उसके बाद पत्ती डाल के ना जब थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो जाए ना फिर मैं गुड़ डालती हूँ। आई थिंक गुड़ में रंग काट वगैरह डाला होता है, शायद इस वजह से दूध या चाय फट जाती थी। इसके बाद ना मैं इसको मिक्स कर देती हूँ, और मिक्स करके ना जब एक उबाला आ जाता है ना, उबाला आने के बाद मैं इसको ना हाफ कवर कर देती हूँ, फुल कवर नहीं करती, क्योंकि फुल कवर करने से ना चाय जो है वो गिर जाती है। अब यहाँ पे ना मैं इसको फेंट लूँगी, और फेंट के अब ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है ना, तो ऊपर से ना मैं इसको कवर कर दूँगी। बस चाय रेडी हो जाती है, तो चाय जो है मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए कप में निकाल लेती हूँ, और फिर हम दोनों बैठ के ना नाश्ता करते हैं। तो इस टाइम जो है ना वो आयशा को अंदर कार्टून लगा के देते हैं ताकि आयशा जो है वो थोड़ी बिजी रहे और हम अपने लिए हम अपना जो है ना वो नाश्ता सुकून से कर लें। इस टाइम बैठ के मैं और हस्बैंड जो है वो थोड़ी बातें भी करते हैं। तो इस टाइम बैठ के ना मैं और हस्बैंड बातें करते हैं, और जो हमारी डिस्कशन होती है, कुछ लाना होता है या जो हमारा दिन का प्लान होता है ना वो हम लोग इस टाइम बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। आयशा की बातें डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्या करना है वो डिस्कस कर लेते हैं इस टाइम पर बैठ के मॉर्निंग में, क्योंकि हम लोग इस टाइम फ्रेश हुए होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ना बहुत ही अच्छा टाइम सुबह सवेरे ना नाश्ते के टाइम गुजर जाता है। तो इस टाइम ना हस्बैंड नाश्ता करके, वैसे भी मेरे हस्बैंड को ना नाश्ता अच्छा और हेल्दी चाहिए होता है, वो चाहते हैं कि ना नाश्ता अच्छा हो, बाकी दिन में खाना जो है ना वो अगर मतलब इतना अच्छा ना भी हो या टाइम पे ना भी हो ना तो उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि नाश्ता अच्छा होना चाहिए। तो चिकन चने जो है ना वो मेरे हस्बैंड को वैसे ही पसंद हैं, तो इस टाइम उन्होंने नाश्ता कर लिया। और नाश्ता करने के बाद ना मैंने आज धोने थे जी कपड़े, वॉशिंग मशीन लगानी थी। आयशा को नाश्ता करवा के, खुद नाश्ता करने के बाद मैं ना आयशा को सुला देती हूँ, वो आराम से सो जाती है क्योंकि उसकी टम्मी फुल होती है, 2-3 घंटे जो है ना वो आराम से सोती है। और मीनवाइल जो मैंने अपनी रूटीन रखी होती है ना, मैंने जो प्लान किया होता है अपना दिन का काम, वो मैं शुरू कर लेती। तो आज की रूटीन ये थी कि मैंने आज वॉशिंग मशीन लगानी थी, उसके लिए ना मैंने पहले बेड से चादर उतार ली और सारा बेड जो है ना वो झाड़ा, और मैट्रेस की साइड चेंज की। अच्छा, कहते हैं कि मैट्रेस की साइड जो है ना वो चेंज करने से मैट्रेस की लाइफ बढ़ जाती है, आई डोंट नो कि ऐसा है अभी के नहीं। बार कैफ यहाँ पे ना मैं ये बंबल वाली जो बेडशीट होती है वो बिछा रही हूँ। ये बंबल वाली बेडशीट ना मैं सर्दियों में सिर्फ बिछाती हूँ क्योंकि ये ना थोड़ी सी गर्म होती हैं, तो ये गर्मियों में तो बिछाई नहीं जा सकती, सर्दियों में बिछाती हूँ। ये वाली जो बेडशीट है ना ये भी मैंने कोहिनूर मिल से ली हुई है, और ये इसको 4th साल जा रहा है, ना इसका कलर ख़राब हुआ है ना इसका टेक्स्चर ख़राब हुआ है। अच्छा, आयशा के कपड़े ना मैं वॉशिंग मशीन में डालने से पहले ना एक मरतबा पानी से निकाल लेती हूँ, कि अगर दूध वगैरह का या खाने वगैरह का कोई बीच में स्मेल हो ना तो वो पानी से निकल जाए, तो उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। ये काम सारा करते करते ना मुझे कोई 10:30 बजे का टाइम हो जाता है, तब तक ना आयशा उठ जाती है। और मैं यहाँ पर भाई मेरे लिए लेकर आया था खानपुर से माल्टे, तो वो माल्टे ना मैं वॉश करती हूँ, सारे माल्टे अपने और हस्बैंड के लिए मैं धोती हूँ, और उसके बाद ना उनका जूस बनाती हूँ।
और सारे काट लेती हूँ, हाफ हाफ कर लेती हूँ। आयशा उठ जाती है तो आयशा को ना मैं बाहर टेरेस में, बहुत ही अच्छी धूप आ रही होती है तो इस टाइम ना मैं आयशा को वॉकर में डाल के धूप में छोड़ती हूँ। अच्छा, हस्बैंड जो है वो, उनको मैंने जूस दे दिया और वो जूस पी कर ना ऑफिस चले गए। और उसके बाद ना मैंने अपने लिए जूस बनाया। ये मशीन जो है ना, ये भाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत हैंडी है। मेरे पास इलेक्ट्रिक जूसर भी है, लेकिन जो इसकी मज़े की बात है ना, वो इलेक्ट्रिक जूसर की नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा बर्तन भर जाते हैं, इतना तो जूस पीने में मज़ा नहीं आता जितना बर्तन धो के बंदा हैक्टिक हो जाता है। तो ये जो है ना, इस मशीन से सारा का सारा जूस निकल आता है, मतलब पल्प ना ज़रा भी ऑरेंज ज़ाया नहीं होता, सारा जूस निकल आता है आराम से और बर्तन भी ज़रा नहीं ज़ाया होता। सिर्फ ये एक बाउल और एक जाली जो है ना, वो इसकी यूज़ होती है। तो मैंने ना फिर अपने लिए जूस बनाया। मेरी सर्दियों में ना यही रूटीन है कि मैं 10-11 बजे जब अच्छी धूप निकल आती है ना, तो मैं टेरिस में बैठ के ज़रूर ऑरेंज जूस इंजॉय करती हूँ। उसके बाद हम दोनों अंदर आ गए। आज मैंने आयशा को देना था शावर, इससे पहले ना मैंने अंदर हीटर ऑन किया ताकि रूम थोड़ा गर्म हो जाए। उसके बाद मैंने आयशा के सर पे ना ऑयल लगाया। जब भी मैं आयशा को शावर देती हूँ ना सर्दियों में, मैं 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद ना मैं इसको शावर देती हूँ, मैं लाजमन इसके सर पे तेल लगाती हूँ। और इसकी ना, क्योंकि ये भी क्रॉलिंग करती है, खड़ी होती है ना, तो इसकी टांगों पे और इसके पाँवों पे मैं ज़रूर इस तरह से ना मसाज करती हूँ। उसके बाद आयशा को मैंने शावर दिया। शावर दे के इसको मैंने रेडी किया और फेस पे इसके लोशन वगैरह लगाया। तो इस टाइम ना ये बहुत क्यूट लग रही थी और ये ना इस टाइम सुबह सुबह मम 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 करती है ना, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद आयशा को सुलाने के बाद ना मैं इसके फीडर और इसके टॉयज बॉयल करती हूँ। और इस टाइम मेरा काम होता है कि मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँ। इस टाइम मैं दोबारा अपने किचन में आती हूँ और ये जो जितने बर्तन वगैरह होते हैं सुबह नाश्ते के, आयशा के दूध के, आयशा को सुलाने के बाद मैं ये काम करती हूँ। मैं अपना सारा किचन सेट करती हूँ और सारे बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ और जो कुकिंग रेंज है वो साफ कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो वाइपर है ना, ये भी बड़ा यूज़फुल है। जो सारा काउंटर टॉप है ना वो साफ़ हो जाता है। आयशा के फीडर बॉयल करने के बाद ना मैं जो पानी बॉयल वाला होता है ना, पानी जो गर्म होता है, वो मैं फीडर्स के अंदर डाल के ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि अगर कोई चिकनाई या कोई चीज़ रह जाए ना, तो वो सब ड्रेन हो जाए और आयशा की फीडर जो है ना वो सही तरह से साफ हो जाए, सारे जम्स ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं ये जो ट्रेस और जो ऑयल की बॉटल्स होती हैं, ये भी मेरा काम है कि मैं डेली ना इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। इस टाइम मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, तो इस टाइम ना मैं ये काम करती रहती हूँ। क्योंकि अब मैंने आयशा को शावर दिया तो वो आराम से ना 2-3 घंटे ज़रूर सोएगी और 2-3 घंटे में ना मेरा सारा का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे अभी मैंने अपनी कुकिंग रेंज जो है ना वो भी मेरा साफ़ करने वाला है, तो वो भी मैं थोड़ा सा ना साफ़ कर लूँगी। और काउंटर टॉप, और ये मैंने ना अलग से एक स्पॉन्ज रखा होता है काउंटर टॉप के लिए, ये जो ऑयल वगैरह गिर जाता है उसके लिए ना मैं इस स्पॉन्ज से ना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना बिखरी हुई चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मेरे किचन में ना बहुत अच्छी धूप आ रही होती है इस टाइम ना, तो सारा कुछ जो है ना मुझे बाहर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से यहाँ पर इतनी अच्छी धूप आ रही होती है और किचन जो है ना वो मेरा गर्म हुआ। अच्छा, बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद और काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद ना मैं अपना कुकिंग रेंज जो है ये भी मैं एवरी अदर डे जो है ना ये भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, तभी मेरा कुकिंग रेंज ना ज़्यादा गंदा नहीं होता। अगर छोड़ दिया जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा फिर गंदा हो जाता है, बड़े बड़े स्टेन्स पड़ जाते हैं, जो फिर बहुत मुश्किल से इनकी ना डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो मैं रोज़ाना ना इस तरह हल्का सा अगर साफ़ कर लूँ ना तो मेरे लिए फिर मसला नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ना काम करना और काम को मैनेज करना ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जब तक आप काम
हम मैनेज नहीं करेंगे ना आप छोटे बच्चे के साथ, आप या तो वो तंग रहेगा या आप खुद तंग रहेंगे, तो इसलिए मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैनेज करने के लिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह उठेंगे ना तो तभी आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये करने के बाद फिर जो जो चीज़ें ट्रे में या जो जो चीज़ें ये रैक में पड़ी होती हैं ना वो मैं उठा के उनकी जगहों पर रखती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास ना हांडियाँ हैं, छोटी छोटी मिट्टी की हांडियाँ, ये मैं लेकर आई थी। जो सर्दियों में जितना भी खाना वगैरह गर्म करना होता है ना वो मैं इसी के इन्हीं हांडियों के अंदर गर्म करती हूँ। मतलब माइक्रो ना हम बहुत कम यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं मगर बहुत कम यूज़ करते हैं। हमारी कोशिश होती है ज़्यादातर ना हम इन्हीं हांडियों में गर्म कर लें और इनमें ना टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें ना यहाँ से फारिग कर देती हूँ और सारी ट्रेस वगैरह खाली कर लेती हूँ और ना ताकि किचन जो है ना वो मेरा मैनेज हो जाए और सारी चीज़ें क्लियर। अच्छा, तो किचन की क्लीनिंग करने के बाद ये रात को जो रोटियाँ वगैरह बच गई थी ना छोटे छोटे पीसेस, तो ये मैं भिगो के रख देती हूँ और ये मैं मॉर्निंग में ना ऊपर छत पे डाल देती हूँ ताकि चिड़ियाँ वगैरह खा लेती हैं। किचन सेट हो जाता है तो उसके बाद ना आयशा भी सो रही होती है तो मैं बाहर से ना पहले डस्टिंग कर लेती हूँ। और डस्टिंग के लिए ना मतलब इतनी ज़्यादा डस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरी ना मुझे सुकून नहीं आता जब तक ना मैं रोज़ाना डस्टिंग ना करूँ फर्नीचर की। फर्नीचर के ऊपर डस्ट पड़ी हुई ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन देती है और मुझे बहुत उलझन होती है कि अगर चीज़ें ना बिखरी हुई हों तो बस यहाँ पर ना हल्का हल्का मैं जो होता है डस्ट वगैरह ना वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। जब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ ना मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा पूरा काम ना कंप्लीट हो जाता है। जब तक मैं अपने डेली के सारे काम कंप्लीट ना करूँ ना कोई एक काम भी मिस हो जाए तो मुझे टेंशन सी रहती है कि मैंने आज ये काम नहीं किया। इसलिए मैं ना अपने सारे कामों को ना मैनेज करके रखती हूँ कि इस टाइम पर मैंने ये काम करना है, इस टाइम पर मैंने ये काम करना है। आयशा सो रही है आराम से, मैं यहाँ पर सारी ट्रॉली वगैरह जो है जहाँ डस्ट पड़ी हुई है वहाँ मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये काम करते करते ही मशीन ने अलार्म दे दिया और आयशा के कपड़े वॉश भी हो गए थे और स्पिन भी हो गए थे और साथ ही ना मैंने अपने और हस्बैंड के कपड़े भी वॉश कर लिए थे। तो सारे कपड़े जब धुल गए तो मैं बाहर ले आई और धूप बड़ी अच्छी थी ना तो मैंने कहा कि सारे कपड़े जो है ना वो मैं बाहर सूखने के लिए डाल दूँ। अच्छा, आज मैंने ना लंच में कुछ भी नहीं बनाना क्योंकि मैंने ना कल शाम में चिकन चने बनाए थे तो हम लंच में वही खाएंगे और मैं शाम में ही खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना मैंने सिर्फ और सिर्फ आयशा के लिए ही आज खाना बनाना था। आयशा के लिए लंच में मैं बना रही थी खिचड़ी और खिचड़ी की रेसिपी मैंने आप लोगों से बहुत मरतबा शेयर की हुई है तो आप लोग जो है ना जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो बस मैंने आयशा के लिए खिचड़ी रख दी थी, आयशा के लिए खिचड़ी बन रही थी और साथ साथ ना मैंने यहाँ पर पचारा लगा लिया। यही था आज का ब्लॉग और यही थी मेरी मॉर्निंग रूटीन।